नमस्कार साथियों आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में और कुछ माध्यमिक स्तर के बच्चों के विद्यार्थियों के प्रश्नों को लेने की कोशिश करते हैं साथियों इस कड़ी में प्रकाश का अपवर्तन इस पर विचार करेंगे और प्रकाश का अपवर्तन ऐसी घटना है कि जिसका हमारी प्राकृतिक घटनाओं पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है जब हम देखते हैं कि सूर्य से प्रकाश आया सूर्य अस्त हुआ सूर्य उदय हुआ ये सब तो तमाम घटनाएं देखते हैं या कि आपने बरसात के दिनों में इंद्रधनुष देखा होगा इन सभी घटनाओं में प्रकाश से संबंधित बहुत सी घटनाएं जो हैं वे सम्मिलित होती हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो भी अपना रास्ता बदल लेती हैं अब उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि कभी यदि आपने ऐसा कभी देखा हो कि जो सूर्योदय का समय होता है उसके लगभग दो मिनट पहले ही सूर्य हमको आकाश में क्षितिज में दिख क्षितिज के ठीक ऊपर दिखाई देने लगता है जबकि अभी सूर्योदय हुआ नहीं होता है तो ये घटना कैसे होती है इस पर जरा विचार करें तो आप इस पर देखेंगे कि दरअसल जो हमारा पृथ्वी का जो वातावरण है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऊंचाई पर जाओगे तो पृथ्वी के वातावरण में जो हवा है उसका घनत्व तो कम होता जाता है यानी कि आप यू समझें कि पृथ्वी के ठीक ऊपर जो वातावरण है उसमें घनत्व ज्यादा है और धीरे धीरे वो जो वायु है वो विरल होती जाती है घनत्व कम होता जाता है तो आप देखें कि जो प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम घनत्व से अधिक घनत्व कम घनत्व से अधिक घनत्व वाली वायु में प्रवेश कर रही है यानी कि माध्यम एक तरह से बदल रहा है तो जैसे ही मैंने आपसे कहा कि माध्यम बदलेगा यानी कि कम घनत्व की वायु से ज़्यादा घनत्व की वायु में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो फिर से अपना रास्ता बदलेगी और ऐसे में फिर से जो हमारी जो लाइट रेज हैं जो प्रकाश से जो किरण प्रकाश की किरण जो आ रही हैं सूर्य से वे तो फिर से अपना मार्ग बदल कर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य निकल आया है जबकि अभी सूर्योदय नहीं हुआ होता है ये लगभग समय का जो अंतराल है लगभग दो मिनट पहले आप ऐसा देख सकते हैं तो ये घटना भी आप देखेंगे कि अपवर्तन के कारण ही हो रही है तारों के टिमटिमाने की बात मैं आपसे कर चुका हूं तारों का टिमटिमाना आप देखें टिमटिमाने का मतलब है जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वे माध्यम बदलते हुए आ रही हैं है आपके पास और तारे बहुत दूर होते हैं वहां से जो आ रही होती हैं किरणें वे अपवर्तन उनका होता है और जिसके कारण कभी तारे का जो है तेज़ रोशनी हमारे पास आती है कभी उसकी जो एक तरह से क्षमता है वो तेज़ हमारे पास आएगी और कभी धीमी आएगी कभी तेज कभी धीमी क्योंकि वो अपना रास्ता बदल के आपके पास आ रही है तो ऐसा उसकी जो चमक है वो हमारी आँख में जो आएगी कभी तेज़ कभी कम कभी तेज़ कभी, तेज, कभी कम इस तरह से तो फिर से वो टिमटिमाती हुई सी नजर आते हैं तारे हमारे ये भी हमारी एक घटना हुई इसी तरह से तारों को भी यदि कई बार आप आ, नंगी आंखों से देखेंगे रात में तो वो भी जिस ऊंचाई पर होते हैं उससे और अधिक ऊंचाई पर दिखते हैं तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि अपवर्तन के कारण ही होती हैं फिर से एक बार मैंने आपसे कहा जैसे कि प्रकाश की किरणें जो कि तारों से आ रही हैं वे कम घनत्व वाली वायु से अधिक घनत्व वाली वायु के वातावरण में प्रवेश करेंगी और अपना रास्ता बदलेंगी तो तारे भी थोड़ा और अधिक ऊंचे हमको दिखाई देते हैं ये सभी घटनाएं जो हो रही हैं वे हमारी इसी कारण हो रही हैं धन्यवाद यदि हमारे आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों को देखने दीजिए शुक्रिया